ऑक्सीजन चाहिए ही, ठीक है। तो अगर एग्जांपल के रूप में देखें तो कैंडल को जलने के लिए कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही, पर अगर ऑक्सीजन अच्छे से नहीं रहता है, कैंडल की बात छोड़ो, अगर मैं पेपर को पकड़ू तो एक पेपर को आप जलाओ तो क्या उस पेपर को जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए रहेगी? डेफिनेटली उसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो पेपर भी किससे बना होता है? उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन का सोर्स है। अर्थ पर ऐसा एक भी सब्सटेंस नहीं है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट मिले ना हो, हर किसी सोर्स में कार्बन और हाइड्रोजन मिलता है, इवन गोल्ड में भी, विच इज गोल्ड विच इज मॉलिक्यूलर, उसका ये क्या रहता है सिंबॉल, दैट इज AU, ठीक है, AU रहता है गोल्ड का, तो उसमें भी गोल्ड में भी क्या रहता है, कार्बन डाला हुआ रहता है। तो एवरी सोर्स में कार्बन और हाइड्रोजन, बेसिकली कार्बन तो रहता ही। तो पेपर को जलाने के लिए, पेपर जब जलता है तो पेपर के जलने के लिए क्या लगता है, ऑक्सीजन लगता है। तो अगर मैं दो स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, तो आग अगर जल रही है, पेपर अगर जल रहा है, तो हवा अगर चल रही है ना, ऑक्सीजन अगर चल रही है, तो पेपर बहुत अच्छे से जलेगा, बहुत अच्छा कम्बशन होगा। और हवा उतनी अच्छी नहीं चल रही है, मतलब ऑक्सीजन अगर अच्छे से नहीं आएगी, मानकर चलो आपने घर से कचरा निकाला और आप पेपर जला रहे हो, तो पेपर बहुत अच्छा जलेगा, पेपर बहुत अच्छा कम्बशन होगा पेपर का, ठीक है। कब? जब ऑक्सीजन की मात्रा एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। जिस वक्त ऑक्सीजन की मात्रा एनवायरमेंट में कम हो जाएगी, ये पेपर उसने अच्छे से जलेगा नहीं, मतलब जलेगा तो लेकिन कम्बशन इसका रुक जाएगा। वो कैंडल क्यों बुझ गई थी? क्योंकि वहां पर कुछ भी एयर नहीं थी। ये पेपर जलेगा, बट ऑक्सीजन अगर नहीं रहती है तो ये बहुत धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में, अगर 100% जलता है पेपर जब ऑक्सीजन रहेगी, तो 10% जलेगा सिर्फ जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी, राइट। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में अगर हम सांस ले रहे हैं, मतलब हम ऑक्सीजन अगर इनहेल कर रहे हैं, तो ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर कहां पहुंच जाता है, सेल के पास, और ग्लूकोज को तोड़ देगा, राइट। किसी का माइक चालू है? नेहल, तो जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ग्लूकोज अच्छे से टूट जाएगा, राइट। और जब ऑक्सीजन नहीं आ रहा है तब का क्या, जब ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, सपोज दैट हम कल का एग्जांपल ले रहे थे, आप रनिंग कर रहे हो, अब रनिंग कर रहे हो तो अगर सामने वाले पर्सन ओलंपिक पर्सन ने या जो भी आपको सिग्नल दे रहा है, हाँ यू हैव टू गो टू रन, और उसने ऐसा फायर किया है कि जस्ट रनिंग स्टार्ट कर दो, तो इन मिडल आप ये तो नहीं बोलोगे कि थोड़ी देर रेस्ट ले लेता हूँ, थोड़ी देर सांस ले लूंगा, तो उसके बाद फिर से भागना चालू करूंगा, नहीं, आप तो कंटिन्यूअसली रनिंग करोगे ना, मतलब आपको कंटिन्यूअसली बॉडी को क्या सप्लाई करना पड़ेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा, तो आप जल्दी जल्दी सांस लोगे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक सेकंड रुक जाओ, कोई एक जन बोलेगा। प्रियांशु सिन्हा, आपको आवाज आ रही है अभी मेरी? केतकी को आवाज आ रही है क्या? केतकी, और कौन था जिसको आवाज नहीं आ रही थी? सर मुझे नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, हाँ सर, चलो ठीक है, हाँ सर आ रही है। ऐसे माइक ऐसे लेकर रखूंगा शायद ऐसे आवाज आएगी। सो आई वॉज सेइंग दैट बार बार जब भी आप रनिंग कर रहे हो, तो रनिंग के पीरियड ऑफ टाइम में आपके लेग्स को, आपके लेग्स के मसल्स को एनर्जी चाहिए, क्यों? ताकि आप रनिंग कर सको, बट आपके लेग्स में जो सेल्स है, उस सेल में जो ग्लूकोज है, उस सेल को ऑक्सीजन चाहिए रहेगा तोड़ने के लिए, बट यूर लेग्स कैनॉट वेट टिल द टाइम ऑक्सीजन विल रीच, तब तक वो इंतजार नहीं कर सकता, उसको कंटिन्यूसली ATP एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक। तब वो क्या करता है, तब वो ये नहीं बोलेगा आपका पैर कि हाँ रुक जाता हूँ, पहले ये इंसान सांस लेगा, ऑक्सीजन को अंदर लाएगा, लंग्स में ऑक्सीजन आ जाएगी, ऑक्सीजन लंग से ब्लड में बैठेगा, फिर ब्लड धीरे 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 मेरे पास ऑक्सीजन लेके आएगा,
ऑक्सीजन मेरे सेल में आएगा तब जाकर मैं ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तब तक तो रेस कोई और जीत जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा, क्या करेगा लाइक कहीं ना कहीं वो विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक कर देगा। तो उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी क्या सर जितनी होनी चाहिए? नो, उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो 38 एटीपी प्रोड्यूस होती है, बट जब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के टूटेगा तो सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होगी। मतलब जब आप पहली बार रनिंग कर रहे होगे ना तब आप बहुत फास्ट में रनिंग करोगे, ठीक, तब आपकी बॉडी फुल्ली आपके साथ होगी। क्यों पता है? तब आपकी मैक्सिमम एनर्जी जनरेट हो रही है। कैसे? तब ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में बहुत अच्छा है, आप ब्रीथिंग रेट, आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ा ही नहीं है, ऑक्सीजन हर सेल्स में अवेलेबल है। तो उस सेल्स में अवेलेबल हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूट गया, एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे, आप रनिंग कर रहे हो। तो सपोज दैट ये रास्ता है, आपने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की रनिंग की, कहीं यहाँ पर जाकर आपके सेल्स का ऑक्सीजन हो गया खत्म, मतलब ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगा, तब आप क्या करोगे? आप अपना ब्रीथिंग रेट बढ़ाओगे कि मुझे सांस लेना है। क्यों? ताकि सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड सेटिस्फाई कर सकूं। पर आप कंटिन्यूसली रनिंग कर रहे हो, आप वेट नहीं करोगे कि रुक जाता हूं थोड़ी देर, यू विल कंटिन्यूसली रन। तो इस समय बॉडी के, आपके लेग्स के सेल्स कौन सा रेस्पिरेशन करने लग जाएंगे? बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज तोड़ने लग जाएंगे। तो वही किस्सा है, ऑक्सीजन रहेगी तो ग्लूकोज पूरा टूट जाएगा। रिमेम्बर अभी हम सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जब भी ऑक्सीजन रहेगा तब ग्लूकोज पूरा टूटेगा। 100% ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। सर आपके स्क्रीन में, व्हेनेवर, मेरी स्क्रीन अटक रही है, ट्राई करो शायद। आई कैनॉट हेल्प, आज नेटवर्क अच्छा नहीं है, जितना सुनाई जा रहा है आप उतना सुनने की कोशिश कीजिए। जितने जनों को आवाज आ रहा है, एक सेकंड ना, साक्षी पिदुरकर आपको मेरी आवाज आ रही है? साक्षी पिदुरकर, हाँ सर आ रही है, चलो ठीक है। कृतिका आपको आ रही है? हाँ सर आ रही है। चलो ठीक है, एक काम करो, सब जन माइक म्यूट कर दो, जितने जनों को आवाज नहीं आ रही है वो यूट्यूब पर देख लेना, ठीक है, आज के लिए, बिकॉज वेदर ऐसा है तो हम कुछ कर नहीं सकते। जितने जनों को आवाज आ रही है वो क्लास सुन लीजिए, ठीक है। सर आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। आवाज आ रही, स्क्रीन नहीं दिख रही है। हु इज, ये किस, ये कौन है? दिख रही है। चलो ठीक है, देखो तो आवाज सुन लो और स्क्रीन को, आवाज सुन के ही देखो मैं कौन से टेक्स्ट में कर रहा हूँ। अभी दिख रही है क्या स्क्रीन? दिख रही है, जिनको दिख रही है वो सुन लो, बाकी के जन यूट्यूब पर देख लेना, ठीक है। अगर आवाज भी आ रही है तो आवाज सुनकर क्लास समझ लो। तो जब दो कंडीशन रहती है, एक रहेगी फेवरेबल कंडीशन, एक रहेगी अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब केमिकल रिएक्शन आपके सपोर्ट में है, आपके अगेंस्ट नहीं है, मैं आपके फेवर में हूं, मतलब मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, मतलब जो भी मैकेनिज्म हम करने जा रहे हैं वो 100% होगा, मैं आपके पढ़ाई में सपोर्ट करूंगा, मैं आपके फेवर में हूं, मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर मैं फेवर में नहीं हूं, अनफेवर में हूं, आपको फेवर नहीं कर रहा हूं, मतलब रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब ऑक्सीजन फुल सपोर्ट में है ग्लूकोज के, चलो ग्लूकोज टूट जाओ पूरी तरीके से, मैं आ रहा हूं सामने आपको सहारा देने के लिए, ठीक। तो ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट जाएगा जब ऑक्सीजन रहेगा। तो ऑक्सीजन का रहना मतलब फेवरेबल कंडीशन। सो व्हेनेवर फेवरेबल कंडीशन इज देयर, दैट इज फेवरेबल कंडीशन मींस व्हाट?
whenever is oxygen is present in environment, right? Or in the cell, then the glucose will break down fully. पूरी तरीके से ग्लूकोज टूटेगा. सेकंड, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, मतलब अब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है, जैसे मैं आपको अनफेवर कर रहा हूं, मैं आपको फेवर नहीं कर रहा हूं, रिजल्ट अच्छा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा. सो इफ आई एम अनफेवरिंग यू, मतलब कहने का तात्पर्य, अगर ऑक्सीजन ग्लूकोज को फेवर नहीं कर रहा है, ग्लूकोज टूटेगा लेकिन 100% एनर्जी नहीं देगा, जितना देना चाहिए, जितनी एफिशिएंसी आना चाहिए. अगर मैं आपको अनफेवर करता हूँ तो जितना अच्छे से रिजल्ट आना चाहिए था उतना अच्छे से रिजल्ट आएगा क्या? बिल्कुल नहीं. शायद 80 के जगह 70, शायद 90 के जगह 80, ऐसा हो सकता है. मतलब रिजल्ट आउटकम उतना अच्छा नहीं आएगा. सो व्हेनेवर ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, ग्लूकोज 100% ब्रेक डाउन नहीं होगा. तो पहली बात, ह्यूमंस में दोनों टाइप के रिएक्शन होते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेकर भी ग्लूकोज टूटेगा, बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज टूटेगा. And I have explained you, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज कब टूटता है? अनफेवरेबल कंडीशन. अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी सर? आप रनिंग कर रहे हो, और बीच में ठीक है, आपका जुनून अंदर से बोल रहा है नहीं, मुझे मैराथन रेस किसी भी हालत में जीतना है. इन दैट कंडीशन यूर लेग्स के सेल्स को क्या चाहिए? लेग्स के सेल्स के अंदर के ग्लूकोज को चाहिए ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन नहीं आ सकती क्योंकि टाइम लगेगा ना, आप जल्दी जल्दी ब्रीथ कर रहे हो, ब्लड को बेचारे को हार्ट में जाना पड़ेगा, पहले ब्लड को ऑक्सीजन लंग्स से लेना पड़ेगा, फिर हार्ट में जाना पड़ेगा, फिर हार्ट पंप होगा, फिर ब्लड नीचे जाएगा, तब ऑक्सीजन मिलेगा, तब तक काम नहीं चलेगा. तोड़ दो ऐसी ग्लूकोज को, बिना ऑक्सीजन के तोड़ दो, तो कितना एटीपी मिलेगा सर? सिर्फ 2 ATP. तो लेग्स बोलता है कुछ नहीं से कुछ भला है, 38 ATP ना से ही 2 ATP फिलहाल के लिए चला लेंगे हम, राइट? सो फॉर रनिंग 2 ATPs वो एडमायर करता है, मतलब ईच सेल, ईच मसल धीरे धीरे 2 ATP का एनारोबिक रेस्पिरेशन करके, 2 ATP यूटिलाइजेशन करके बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को तोड़ रहा है. अब इसमें चीज होती है क्या, कोई भी तरीके से ना टूटे ना तो बाय प्रोडक्ट बहुत बचता है. जैसे आप आग जलाओ, मम्मी आपको क्या बोलते रहती है कि लकड़ी लेके कचरा इधर उधर फैलाते जाओ, क्यों? ताकि ऑक्सीजन हर कोने में पहुंचे, और हर कोना पेपर का जलाते अगर हो, जलाना नहीं चाहिए वैसे, अगर रद्दी बचपन में कभी जलाई हो, ठीक, तो जब भी आग जलती है तो मम्मी या आपको क्या बोलते हैं, आप लकड़ी से उसको हलाते रहते हो इधर उधर, क्यों? ताकि ऑक्सीजन पेपर के हर एक कोने में पहुंचे और आग बहुत अच्छे से जले, पूरी तरीके से जले, कंबशन 100% हो, बिल्कुल भी पेपर ऐसा ना बचे जो जला हुआ ना हो. मतलब पेपर पूरी तरीके से जलने के लिए, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, आप पूरी तरीके से ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचने के लिए इनिशिएट कर रहे हो. ठीक है, आई विल नॉट राइट मच ऑन द बोर्ड, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है, आई विल स्पीक, तो एक्सप्लेनेशन समझ लो. तो ज्यादा से ज्यादा हवा पेपर के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए ताकि पेपर अच्छे तरीके से जले. अगर आप लकड़ी से पेपर इधर उधर नहीं करते हो और ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो पेपर अच्छे से जलेगा? आंसर इज नो. तो क्या उस कचरे के ढेर में या क्या उस कूड़े के ढेर में बहुत सारा ना जला हुआ पेपर बचेगा, बाय प्रोडक्ट बचेगा? आंसर इज यस. तो सर, हमारे बॉडी के सेल्स में जब बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूटता है तो क्या ग्लूकोज का भी कोई बाय प्रोडक्ट बनेगा? वो बाय प्रोडक्ट नहीं, दरअसल असलियत में बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. यहाँ पर कोई थर्ड कंपोनेंट बनता है, CO2 और पानी नहीं बनता है. एनर्जी तो लिबरेट होगी, कितनी एनर्जी? 2 ATP. देखो मैं आपको रिएक्शन लिखवा के दिखा रहा हूं इन जनरल. तो जहां पर भी ऑक्सीजन नहीं रहता है तब का एक जनरल रिएक्शन, C6H12O6, लिखना नहीं है कोई भी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, लेकिन ये CO2 और H2O के बजाय एनर्जी कितनी लिबरेट होगी? 2 ATP. इसके बजाय क्या प्रोड्यूस्ड होगा? यू नो, इसके बजाय प्रोड्यूस्ड होती है एक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड. यही वो लैक्टिक एसिड है जो आप भागते भागते, आपका पैर दुखने लग जाता है ना, भागते भागते, मतलब पहले आप भाग रहे हो तो पैर नहीं दुखेगा, क्यों? तब तब ऑक्सीजन आ रहा है, बहुत अच्छा अवेलेबल है. जब आपने ट्रेमेंडस अमाउंट में, नहीं मुझे तो रनिंग करना ही है, जब आप और रनिंग करोगे तब ऑक्सीजन जल्दी आप ब्रीथ करके उस सेल्स तक पहुंचा पा रहे हो क्या ऑक्सीजन? नो. तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहा है तो सेल्स ऐसा बैठा रहेगा कि हाँ ऑक्सीजन कब आएगा, राह देखते रहेगा कि आ जाओ ऑक्सीजन ऊपर से. राह वहां कुछ नहीं देखेगा, बोलेगा ग्लूकोज तो ऐसी टूट जाए, चलिए इंसान रुक ही नहीं रहा है, ये इंसान को भागना ही है और हमको इसको सपोर्ट करना पड़ेगा. जैसे आप अगर पढ़ना चाहते हो, अगर किताबें है नहीं है तो आई विल सपोर्ट यू कि चलो कैसे भी पढ़ लेते हैं. ठीक है, जैसे आज वीडियो नहीं दिख रहा है तो ऑडियो से समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसी तरीके से
नॉर्मल चीज में क्या, ऑडियो भी दिखेगा और वीडियो भी दिखेगा और क्लास चलेगा। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या, ऑक्सीजन भी रहेगा, ग्लूकोज भी रहेगा, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूट के 100% कंबशन होगा और 38 एटीपी मिलेगी। पर जब भी कंडीशन अनफेवरेबल है तब क्या प्रोड्यूस्ड होगा, ग्लूकोज तो टूटेगा, सॉरी मैंने ऑक्सीजन लिखा है यहाँ पर, ग्लूकोज तो टूटेगा बट बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के, और तब क्या प्रोड्यूस्ड होगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड होती है, एंड दिस इज दैट लैक्टिक एसिड दैट एक्यूमुलेट्स इन अवर मसल्स, जो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, जो क्रैम्प्स, बेसिकली जो आप बोलते हैं ना पैर दुख रहा है, फटीग, फटीग इज द कंडीशन, टायर्डनेस ये एक वर्ड है, फटीग, फटीग मतलब क्या, थोड़ा बायोलॉजिकल वर्ड है, फटीग मीन्स टायर्डनेस, आपका पैर दुखने लग जाएगा, वाई, बिकॉज लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस। तो चलो डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं एरोबिक और एनारोबिक में, जिनको दिख रहा है वो लिख लीजिए, जिनको नहीं दिख रहा है उनको मैं एक पेपर भेजूंगा ग्रुप में, वहां से कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो तो लिखते हैं एरोबिक और एनारोबिक के बीच में डिफरेंस। तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में दो टाइप्स है, वन इज योर एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अनादर इज योर, अनादर इज योर एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, राइट। सो दिस इज रेस्पिरेशन इज व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कब होगा, ये फेवरेबल कंडीशन में होगा, वो कब होगा जब फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगी, ये वो कंडीशन है जब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। कब रिजल्ट नहीं आएगा, जब टीचर आपके साथ नहीं रहेगा, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, फेवरेबल कंडीशन में 100% रिजल्ट आएगा। तो टीचर मतलब ऑक्सीजन है, समझ रहे हो, तो और ग्लूकोज मतलब आप है, ठीक। तो एक समय ग्लूकोज के साथ आपके साथ टीचर है, रिजल्ट बहुत अच्छा, एक समय ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन नाम का टीचर नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ये कब होगा, हमारी ब्रीथिंग नॉर्मल, नॉर्मल अभी आप और मैं कहीं रनिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सिचुएशंस में है, फेवरेबल कंडीशन चल रही है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो हम फेवरेबल कंडीशन में एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में कब होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी। तो यहां लिख लो फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, और ये कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन। सेकेंड पॉइंट लिखो सब जन अच्छे अच्छे से, राइट। इसमें सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां नीचे लिखता हूं सप्लाई, सप्लाई ऑफ O2 एंड हियर लैक, लैक ऑफ O2, यहां ऑक्सीजन की कमी रहती है इस रेस्पिरेशन में, ठीक है, ओके, शायद अब दिख रहा होगा अच्छे से, राइट। तो यहां क्या रहेगा, यहां सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रॉपर रहेगा और वहां लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। चलो अब मैंने आपको सब्सट्रेट बताया था, सब्सट्रेट का मतलब जहां से भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रहा हो उसे सब्सट्रेट कहते हैं हम, ठीक है। तो पूरा पूरा रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या ऑक्सीजन से स्टार्ट होगा, नहीं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से, नहीं। मेन सब्सट्रेट क्या है, मेन सब्सट्रेट हमारा, मेन सब्सट्रेट हमारा क्या होगा, ग्लूकोज। जैसे आप अगर चपाती खाते हो, आप अगर रोटी खाते हो, तो मम्मी ने आपको चपाती दी, ठीक है, रोटी दी आपको खाने के लिए, तो आप उसका सब्सट्रेट क्या क्या सोच सकते हो, सब्सट्रेट क्या है, क्या वो तवा उसका सब्सट्रेट है, रोटी का तवा तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो रोटी का सब्सट्रेट सर आटा हो सकता है, नहीं सर, आटे में पानी मिला होता है, पानी मेन सब्सट्रेट हो सकता है, मतलब जहां से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रहा हो। तो पहले क्या रहेगा, व्हीट रहेगी, उसको तोड़ा जाएगा, फिर वो चक्की में पिसा जाएगा, फिर पानी आएगा, फिर मिलेगा, फिर रोटी सिकेगी। तो व्हाट इज द मेन सब्सट्रेट, जहां से पूरी हिस्ट्री चालू हुई, वो है व्हीट, ठीक है, गेहूं का दाना, वो है सब्सट्रेट। तो एनर्जी के प्रोडक्शन में मेन सब्सट्रेट कौन है, ग्लूकोज। तो यहां पर ग्लूकोज पूरा ब्रेकडाउन होगा क्या, आंसर इज नो। यहां पर आपकी पूरी क्षमता इस्तेमाल होगी क्या, नहीं। यहां पर ऑक्सीजन नाम का टीचर नहीं है, तो यहां पर आपका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होगा, यहां रिजल्ट अच्छा आ ही नहीं सकता है, बिकॉज यहां पर ऑक्सीजन या टीचर एब्सेंट है। तो ग्लूकोज आर यू, ऑक्सीजन इज मी, तो ऑक्सीजन इज नॉट देयर, टीचर इज नॉट देयर, एक्चुअली आई एम देयर, बट वी आर अज्यूमिंग कि टीचर नहीं है, तो ग्लूकोज नाम का स्टूडेंट नहीं टूटेगा, ठीक, मतलब उसकी 100% एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो यहां लिखते हैं द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यहां होता है, रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट, आई रिपीट,
जहां से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। जैसे सब्जेक्ट रहता है ना, मेन सब्जेक्ट, ऐसा सबस्ट्रेट। तो यहां पर ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन होगा, वहां पर ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो हम यहां लिखते हैं कंप्लीट कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दैट इज आपके। अबे यार तो फुट होता है काम से कोई भी अपना माइक ऑन मत करो प्लीज। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दैट इज ग्लूकोज। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज। तो इस एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पूरी तरीके से टूटेगा। वहां पर लिखते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, या ब्रैकेट में और एक चीज लिख सकते हो इनकम्प्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। चलो इतना पहले लिख लो, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, या ब्रैकेट में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यहां पर लिखते हैं थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट, पूरा का पूरा जलकर, ठीक है, पूरा का पूरा ग्लूकोज कब टूट जाएगा? कंबशन, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कंबशन, आपको पता है ना, कोई चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं। तो यहां पर भी ग्लूकोज में, वो याद है चूहा, चूहे के सेल्स में भी कंबशन हो रहा है और जलती हुई कैंडल में भी कंबशन हो रहा है। मतलब दोनों में आग जल रही है, मैं बोल रहा हूँ दोनों में आग जल रही है, दोनों में कंबशन हो रहा है, पर कैंडल में आपको दिख रहा है आग जल रही है, वो छोटे से चूहे में क्या होता है पता है? जलती हुई आग की जो एनर्जी है ना, उसी को एटीपी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। हमारे बॉडी में भी बहुत सारी आग नहीं बोल सकता हूँ, बहुत सारी केमिकल एनर्जी निकल रही है जब ग्लूकोज टूटता है। उस केमिकल एनर्जी को तोड़ के क्या बना दिया जाता है? एटीपी। तो हमारे बॉडी में भी कंबशन होता है, मतलब हमारे बॉडी में भी एक सोर्स ऑफ फायर बर्न होता है, बट वो आग निकलती नहीं, उसको एंजाइम केमिकल एनर्जी में फास्टली कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज एटीपी। तो यहां लिखते हैं कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट, कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन होता है यहां पर, आई गेस दिख रहा है राइट। वहां क्या लिखेंगे? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कंबशन। चलो नेक्स्ट पॉइंट में ऊपर लिखता हूं, एंड प्रोडक्ट क्या होगा? ये मिटा रहा हूं ऊपर वाला, फर्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वुड बी अवर थर्ड पॉइंट, एंड प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इसमें एंड प्रोडक्ट रहता है। तो थर्ड लिखते हैं एंड प्रोडक्ट, मतलब ग्लूकोज के टूटने के बाद एंड प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? तो आपको पता है पूरा रिएक्शन क्या निकलता है आखिरी में, तो एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O, दिस आर द एंड प्रोडक्ट। एनर्जी तो दोनों में रहेगी, उधर एंड प्रोडक्ट क्या रहता है? H2O. इधर एंड प्रोडक्ट क्या होगा? तो सर इधर नहीं क्या? लैक्टिक एसिड एंड CO2. राइट राइट, थोड़ा थोड़ा देख लो, यू आर करेक्ट, अच्छे से सुन लो। मसल्स रहती है ना, मसल्स, मसल का शेप बताता हूँ मैं आपको, जगह नहीं है मेरे पास, चलो यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये लिख लिया ना, समझ जाओगे ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये। देखो ये आपका हैंड है, ठीक, शोल्डर वाला, ये वाला अपर आर्म। अब यहां से ये इस तरीके से छोटा बच्चे से ऐसा बनाया मैंने। अब आपकी मसल्स, बोन यहां रहेगी, बोन आपकी इस तरीके से यहां रहती है, ठीक है, ये बना दी बोन, और यहां पर भी बोन बना देते हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट बना दो,
तो जैसे डॉग ही बोन के पीछे लगा रहता है वैसे ही बना लेते हैं। ये आपकी दो बोन्स है, तो मैंने हैंड के अंदर दो बोन्स बना दी। अब थोड़ा सा नहीं क्या पैर, इसको हाथ को थोड़ा खोल लेता हूँ अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। आपका हाथ मान लो इस तरीके से है, थोड़ा बड़ा बना लिया है। अभी मसल्स क्या रहती है पता है, दो बोन्स को जोड़ के ऐसे मसल्स रहेगी, ये कुछ इस तरीके से आपकी मसल्स रहती है, राइट, दिस इज योर मसल्स। तो ये मसल्स प्रोड्यूस करती, मसल्स को चाहिए एटीपी, बोन को एटीपी नहीं चाहिए। बोन आपकी भागती नहीं है, मसल्स से भागती है। आपके पैर में बोन्स वहीं रहती है, मानकर चलो पैर है, तो इस तरीके से आगे पीछे, मतलब ये आगे पीछे करते हो आप, राइट, ऐसे ऐसे आगे आगे पीछे जाओगे। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे मैंने हाथ के मसल्स ड्रॉ किए दो बोन के बीच में, ऐसे पैर में मसल्स होगी, ठीक। तो आपकी मसल्स में ग्लूकोज टूट रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। कब सर? नॉर्मल कंडीशन में, ठीक, बट फेवरेबल कंडीशन में। बट जब भी आप बहुत तेजी से भाग रहे हो और ऑक्सीजन नहीं आ पाता है आपके सेल्स के पास या मसल्स के पास, मसल इज ऑल्सो सेल, यहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो क्या होगा? इन दैट कंडीशन हियर ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन बट विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन दैट कंडीशन व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड? लैक्टिक एसिड वुड बी प्रोड्यूस, नो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस, लैक्टिक एसिड विल बी प्रोड्यूस। तो यहां पर एंड प्रोडक्ट हम क्या लिखेंगे पता है? एंड प्रोडक्ट, पहली बात हम क्या लिखेंगे, एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं लैक्टिक एसिड, लिखते चले जाना लैक्टिक एसिड। कहां प्रोड्यूस होता है? ह्यूमंस के मसल्स में, बेसिकली मसल्स में प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, पहली बात। क्या सर एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ ह्यूमंस में होता है? नहीं, आपने अगर क्लास 10th में सुना होगा तो एक सिंगल सेल है जिसका नाम है ईस्ट, ठीक है। तो जिसने सुना है उसके लिए बहुत बहुत आभार, और जिसने नहीं सुना है दे डोंट गेट वरी अबाउट, ये आएगा आगे जाकर। तो ईस्ट एक छोटा सा सेल है जो अल्कोहल, दारू, ठीक है, अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल जो भी आप बोल सकते हो, अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, बेवरेजेस, ठीक है, बेवरेजेस या अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए ईस्ट इस्तेमाल होता है, ईस्ट, ठीक है। आपके ब्रेड में भी, ढोकले में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जहां पर ईस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहता है, राइट। तो ईस्ट ऑल्सो रेस्पायर, मतलब वो भी रेस्पिरेशन करता है। जैसे आपने सुना होगा, आपको एक कंडीशन बताता हूं मैं, गोबर गैस का नाम सुना है? गोबर गैस एक ऐसा प्लांट रहता है, प्लांट जिसके अंदर काउडंक इनपुट किया जाता है, काउडंक इनपुट किया जाता है, और वो काउडंक के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं। हाँ सर। वो छोटे छोटे बैक्टीरिया क्या करेंगे पता है? जैसे गांव में रहता है, गांव में पहले के जमाने में सिगड़ी वगैरह नहीं थी, तो क्या करते थे? चूल्हा जलाते थे। उसमें क्या आता है? मीथेन आता है, CH4 गैस आती है। तो मीथेन कहां से प्रोड्यूस होती है? काउडंक। तो काउडंक को रख देंगे टैंकर में, और उसमें छोटे छोटे माइक्रोब्स रहते हैं, बैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया को अब अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप बोलोगे चल भाई तू गोबर में से CH4 निकाल, तो जनरली अच्छे से देखना, इसका माइक चल गया, क्या सर जनरली गोबर गैस से, काउडंग से, काउ का जो गोबर रहता है, क्या उसमें से जनरली मीथेन प्रोड्यूस नहीं होगा? हो सकता है, अगर कोई गाय है अगर वो गोबर देती है तो उसमें नेचुरली हमको गोबर गैस बनाने की आवश्यकता बाद में पड़ी। पहले गाय गोबर अगर दे देगी तो उस गोबर में छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं, ऑलरेडी रहते हैं, वो कैटल, वो जो काउ रहती है ना, उसके स्टमक से ही निकलते हैं वो बैक्टीरिया, ठीक है, उसका फूड डाइजेस्ट करने के लिए वो अंदर रहते हैं, बट वो गोबर के थ्रू बाहर आ जाते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? वो बैक्टीरिया उस गोबर का जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करेंगे, डिजेनरेट करेंगे, और वहां से इवॉल्व करेंगे CH4। अब अगर एक लैंड पर बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर ये फैलाओ, गोबर फैलाओ, और उसमें बैक्टीरिया क्या कर रहा हो? मीथेन को निकाल रहा हो, आप छोटी सी भी चिंगारी भी लगा दो ना, तब भी आग लग सकती है। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, क्यों पता है? एनवायरमेंट में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, और जो गोबर के अंदर जो बैक्टीरिया है ना, उसको बिना ऑक्सीजन के वो गोबर के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा। इसीलिए बायोगैस नाम के एक प्लांट में विदाउट एयर उस बैक्टीरिया को बोला जाता है चल तू आराम से गोबर तोड़ ले, और हमको क्या प्रोड्यूस करके दे? CH4। तो नेचुरली भी हो सकता है, पर कब? जब नेचुरली एनवायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं रहे तब, ठीक है, नेचुरली एनवायरमेंट में ऑक्सीजन अगर नहीं रहा
तो बैक्टीरिया को फुल सपोर्ट मिल जाता है, चलो मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करता हूँ, मतलब आपको एक लॉजिक समझ रहा होगा, वो गोबर गैस का मीथेन प्रोडक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन में हो सकता नहीं है, वो हमेशा स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशन में ही होगा, बिना ऑक्सीजन के ही वो गोबर में प्रेजेंट हुए छोटे छोटे बैक्टीरिया बाहर कौन सी गैस निकालेंगे, CH4। तो अगर मैं अगर लॉजिक लगाऊं, सर एक बंद रूम है, हाँ उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, ओके, और उसमें कोई गोबर रखा है और छोटे छोटे बैक्टीरिया है, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं और छोटी से मैंने माचिस जलाई, तो क्या सर उसमें आग लगेगी? आंसर इज यस, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए तब। आर यू क्लियर? सो ईस्ट एक अकेला ऐसा नहीं है जो बिना ऑक्सीजन के ऑर्गेनिक मैटर, या ऑर्गेनिक है, ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक मैटर, आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन हाइड्रोजन जिसमें रहता है उसे ऑर्गेनिक चीजें कहते हैं, इसमें ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन है, ये एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ठीक। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट को तोड़ने के लिए कहीं पर ऑक्सीजन लग सकता है, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं लग सकता है, अगेन आई रिपीट, जहां ऑक्सीजन नहीं लगेगा वहां एनर्जी कम निकलेगी। तो छोटे से बैक्टीरिया को 2 ATP सफिशियंट है क्या? बिना ऑक्सीजन के अगर ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ रहा है तो उसके लिए 2 ATP सफिशियंट है क्या जिंदा रहने के लिए? ऑब्वियसली हमको चाहिए 38 ATP, प्लांट्स को चाहिए 38 ATP, छोटे से छोटे बैक्टीरिया और छोटे से छोटे ईस्ट को क्या 38 ATP की रिक्वायरमेंट होगी? वो बोलेंगे हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम ऑक्सीजन को लें, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ें, फिर इतनी ज्यादा ATP लें कि अचार डालेंगे इतने सारे ATP का, हम इतना सा सेल है, इतना सा बैक्टीरिया, दिखता भी नहीं है आंखों से, कहां पर है, गोबर में जाकर देखो, दिख ही नहीं रहा है सर, तो क्या ऑक्सीजन लेगा वो? वो बोलता है इतना कष्ट मुझसे नको बाबा, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं बिना ऑक्सीजन के तोड़ दूंगा, किसको? गोबर में प्रेजेंट हुए ऑर्गेनिक मैटर को, और बाहर क्या निकाल दूंगा? बाहर CH4 निकाल दूंगा। सो मेनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड मेनी ऑफ द बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट एंड बैक्टीरिया ब्रेक द क्या ब्रेक द ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज देयर बाय प्रोडक्ट। तो ईस्ट क्या रिलीज करता है? मैंने बताया ईस्ट आपको अल्कोहल इंडस्ट्री में यूटिलाइजेशन, जैसे गोबर गैस के इस्तेमाल में कौन सा बैक्टीरिया लिया, गोबर गैस के प्रिपरेशन में कौन सा, कोना सर, हु इज दैट, नेहा रासेकर, कोना सर, इधर ध्यान दो नेहा, कोना सर, किसी गोबर क्या, गोबर गाय का, ठीक है, गाय का ही गोबर रहता है, यहाँ ध्यान दिया करो। सो व्हाट आई वाज सेइंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट और बैक्टीरिया, ठीक है, सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज यूज इज ईस्ट, एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गोबर गैस माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज यूज इज बैक्टीरिया। तो यहां लिख सकते हैं ईस्ट क्या बाय प्रोडक्ट देगा, ठीक है, ऐसा लिखो, इथेनॉल बेसिकली अल्कोहल ही, इथेनॉल किससे प्रोड्यूस्ड होता है? तो इथेनॉल ईस्ट से प्रोड्यूस्ड होता है, ईस्ट से, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड कहां प्रोड्यूस्ड होता है? मसल्स में। इथेनॉल कहां प्रोड्यूस्ड होता है, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ईस्ट के द्वारा, राइट, चलो इतना सफिशिएंट है। एंड आप लिख सकते हो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस, मिथेन को जनरेट करने वाला बैक्टीरिया मिथेनोजेंस बोला जाता है। तो बेसिकली ये चैप्टर में उसका कोई लिंक नहीं है, बस मैं आपको समझाना ये चाहता हूं। सर मिटाओ मत, रुको, ये पहले ही लिख दिया था मैंने, बहुत पहले लिखा था ये, ऊपर का सर, अच्छा ऊपर का, चलो ठीक है। तो थर्ड पॉइंट नहीं मिटाता हूं, ठीक है, राइट, तो इसके बाद क्या आएगा, मिथेनोजेंस लिख सकते हो, राइट, कितना एनर्जी बनता है इधर, इधर बनता है सर एनर्जी 38 ATP, ओके, तो यहां लिखते हैं एनर्जी यील्ड, यील्ड मतलब निकलना, आउटपुट क्या है, एनर्जी यील्ड, ठीक है, कितना एटीपी निकलेगा, ओके, सॉरी वाई यील्ड, कितना एनर्जी निकलेगा, सो आंसर इज 38, आप सीधा सीधा लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है, 38 ATP यहां, ठीक है, हाउ मच ATP यहाँ बिना ऑक्सीजन के अगर टूट रहा है, तो हमारे बॉडी में भी हाथों में और पैरों में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, पैरों में भी होता है, जब भी मैं बहुत ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन लाते लाऊ, नहीं ऑक्सीजन नहीं पहुंचाऊंगा,
तो बॉडी क्या करने लग जाएगी, बॉडी बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज तोड़ने लग जाएगी। तो कितना एटीपी प्रोड्यूस होगा, एनर्जी इल्ड, एनर्जी इल्ड इज ओनली ओनली 2 ATP, सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। चलो यहां तक समझ गया सभी को, चलो अगला देखो। अब आपको थोड़ा सा कल का जो पॉइंट मैं समझाना की कोशिश कर रहा था, ये लिख लिया होगा, कल जो मैं समझाने वाला था कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है सेल के अंदर, ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, एंड वन ऑफ देम, ठीक है, एक किसी ने आंसर दिया दैट वाज माइटोकॉन्ड्रिया। चलो तो उसी के बेसिस पर आपको एक बहुत अच्छा सवाल मिलेगा, बट पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद वो सवाल आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सवाल का जवाब देता है। तो पहले आपको कुछ नाम लर्न करना पड़ेगा जिसका इस चैप्टर में कुछ यूज नहीं है, दूसरे चैप्टर में आएगा वो, बट नाम यहाँ पर दिया हुआ, लर्न करना पड़ेगा। तो जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, अब देखो एक वर्ड आप फिक्स कर लो ब्रेन में, हमेशा जहां पर भी आपको ये टर्म दिखे, कौन सा, जहां पर भी आपको लाइसिस, लाइसिस ये नाम का टर्म दिखे, ठीक है, लाइसिस, तो समझ जाना ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। लाइसिस मतलब जहां पर आपको लाइसिस ये वर्ड दिखता है, फिक्स कर लो, इट इज कंसिडरिंग ब्रेकडाउन, किसी चीज को, किसी चीज को तोड़ने की बात कर रहा है, लॉकडाउन नहीं है, ठीक है, लॉकडाउन नहीं है, ब्रेकडाउन, लाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है। और जहां पर भी आपको जेनेसिस ये वर्ड दिखे, जेनेसिस समझ जाना फॉर्मेशन की बात कर रहा है या प्रोडक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, जहां पर भी, तो लाइसिस दिखा मतलब तोड़ो, और जेनेसिस मतलब दिखा तो फॉर्मेशन, ठीक है। तो पढ़ते हैं यहां पर, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि कैसे कैसे ग्लूकोज टूटता है, तीन केमिकल रिएक्शन आती है, तीन केमिकल रिएक्शन आती है, तो एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल, और आंसर भी इसका बहुत सिंपल है, बट आएगा उसी को जो फोकस करेगा। ये सेल है, ओके, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, सेल के अंदर आता है ग्लूकोज, कौन लाता है, ब्लड लाता है, कहां से लाता है, इंटेस्टाइन से लाता है, इंटेस्टाइन में किसने लाया खाना, ग्लूकोज, हमने खाया तभी तो वहां आया, और ग्लूकोज को कौन, ब्लड कहां लेके जाता है, सेल में। तो अच्छे से देखना, सेल में बस दो ही चीज अभी के लिए पढ़ो, इस सेल में एक ऑर्गेनल रहता है जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं क्या सर, जिसे कहते हैं मिट्टू, मिट्टू कौन दिया, मिट्टू कौन दिया, नहीं मिट्टू कोई नहीं दिया, इट इज माइटो, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई मिट्टू नहीं दिया इधर, तो इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो जो माइटो मिट्टू नहीं, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, हम ये बोलते हैं, ओके सर, ग्लूकोज कहाँ इस्तेमाल होता है, ग्लूकोज जाता है सेल के साइटोप्लाज्म में। तो सेल का जो लिविंग मैटर है, जहां पर पूरा पानी भरा हुआ रहता है, बेसिकली फ्लूइड मैटर, वहां पर ग्लूकोज रहता है, और ऑक्सीजन कहाँ जाता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जाता है इस माइटोकॉन्ड्रिया में। आपने अगर ये लिख लिया हो तो मैं बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूँ, ठीक है, देखो फिर आंसर करना, राइट। तो ये बड़ा सा सेल है, हमेशा एक सेल के अंदर कहाँ ग्लूकोज जाएगा, उसके साइटोप्लाज्म में चला गया,